हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ टेक एंड लाइफस्टाइल। तो आज मुझे एक प्रोडक्ट मिल चुका है जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। यह है फ्लेमिंगो का मेड इन इंडिया हीटिंग बेल्ट, जो कि आपके बैक पेन के लिए, एल्बो पेन, शोल्डर पेन, नी पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं करूँगा इसकी अनबॉक्सिंग, वीडियो में बने रही मेरे साथ। तो बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, अब जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फटाफट मैं इसकी पॉलीथीन कट कर देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। वैसे तो इसकी शायद MRP 1000 के आसपास होती है, पर ये अमेजोन पे आपको 800 से 850 के आसपास मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा है, मेड इन इंडिया है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। बाकी इसके बॉक्स के ऊपर बहुत सी डिटेल दी हुई है, जैसा कि इसमें सबसे अच्छी बात इसमें है डीअटैचेबल पावर कॉर्ड मिलती है इसमें, और ये बिल है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ऊपर आप देख सकते हो हमारी क्रिश ऋतिक रोशन इसके ऐड करते हैं, और ये डीअटैचेबल इसका लिखा हुआ है। और ये साइज़ अलग अलग साइज़ का था, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज मंगवाया है, और आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग साइज़ मंगा सकते हो। पेन रिलीफ है और तो केयर है। और इसके साइड में बात की जाए तो यार QR कोड वगैरह दिया है, और उसके आप जैसे MRP देख सकते हो 1999 का है। और इसमें सारा कुछ डिटेल वगैरह जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मार्केटिंग है लिखा हुआ, और पीछे इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और बहुत सी चीज़ें इसको रिकमेंड लिखा हुआ है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई। और कितने इसका स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये 45 वोल्ट का है। वोल्टेज इसका बात की जाए तो इसको 240 वोल्ट का है। और साइड में इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बताया हुआ है कि आपको बैक पे कैसे यूज़ करना है, और कमर पे कैसे यूज़ करना है, नी पे कैसे यूज़ करना है, तो शोल्डर के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ऊपर आप देख सकते हो, अब इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं, फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ अपने को क्या क्या मिला इसके अंदर। तो भाई जैसा कि मैंने इसको ओपन कर लिया है, वैसे इसके अंदर मैंने जब ऑर्डर किया तो उसमें वो देखा था, इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे। और इसके साथ एक क्लोथ आता है ताकि उसको अपन वॉश भी कर सके, तो ये बहुत ही अच्छा है ताकि कोई भी बाम वगैरह लगाए तो उससे वो क्या ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अपन इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसको पैड को वॉश नहीं कर सकते, पर इसके साथ में जो एक क्लोथ आता है जो मैं आपको दिखा दूँगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये एक वारंटी कार्ड है, और कैटलॉग भी बोल सकते हो उसके अंदर कि आपको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा हुआ कि कैसे यूज़ नहीं करना है, इसको मोड़ना नहीं है वगैरह, जो भी लिखा हो इसको गीला नहीं करना या जो भी है इसके अंदर लिखा हुआ। 1 ईयर की अपने को वारंटी मिल जाती है, जो बहुत अच्छी बात है। और बाकी इसका सबसे अच्छी चीज़ इसमें डीअटैच कोड मिल जाती है अपने को, और ये आपका कपड़ा बहुत ही स्मूथ है, कुछ भी रफ नहीं है, और बहुत अच्छा मटेरियल है इसका यूज़ किया गया है। इसके अंदर अपने को डाल सकते हैं, इसको वॉश भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का कि गंदा होगा या कोई भी मतलब अदर पर्सन यूज़ करे तो इसको अपन वॉश करके वापस इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो इसके ऊपर सारे डिटेल लिखी हुई, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप अच्छे से केयरफुली इसको पढ़ लें। और यहाँ पे इसका सॉकेट दिया हुआ ऊपर, जहाँ पे आप कोड इसको अटैच कर सकते हो। और इसकी कोड की लंबाई लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। इसमें स्विच है जिसमें 3 मोड्स है, मीडियम हो गया, लो मोड हो गया, और एक हाई मोड हो गया। इसके पीछे भी वॉट और के बारे में बताया हुआ है, और आप प्लग भी देख सकते हो इसका 2 पिन है इसके। और अब इसको कोड को आप देखो, मैं आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ, फिर इसको अपन ऑन करके भी ट्राई करेंगे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है। वैसे बहुत से ऐसी पिक्चर सब देख सकते हैं रिव्यू में कि इसको ऐसे बताया हुआ है कि ये जल जाता है वगैरह जो भी है, तो वो इसलिए जलता है कि मोस्टली एकदम मैक्सिमम टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसका डॉक्टर भी अगर रेकमेंड करते तो ओनली 15 से 20 मिनट हाईएस्ट इसको यूज़ किया जाता है। इस पर काफ़ी यूज़ करते समय ज़्यादा प्रेशर ना डाले, इसको मोड़े नहीं, तो बहुत सी बातों का ये ध्यान रखे, क्योंकि हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। अपन दर्द ज़्यादा हो रहा तो उस चक्कर में एकदम हाई मोड पे इसको हीट लेते रहे एकदम आधा घंटा हो गया या 45 मिनट इतने हो गए तो ऑब्वियसली ये जलेगा ही। तो इसको भी मतलब 15 मिनट या 20 मिनट के बाद इसको रेस्ट या ठंडा होने दे तो इसकी भी लाइफ टाइम इंक्रीज होती है, और यही इसका केयर है। बाकी आप इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है एज ए थेरेपी के लिए और एज ए रिलैक्समेंट। बहुत ही अच्छा मसल को, बहुत अच्छा रिलैक्स, बहुत अच्छा मतलब
फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बहुत अच्छा आराम देगा, कोई भी पेन होगा तो आपसे पेन को रिलीफ करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको अंदर डाल दिया और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, तो ये काफ़ी सिंपल है। और ये बेल्ट है, इसके अंदर आप इसको कहीं भी, जैसे कि आपको नी पे लगाना है या फिर शोल्डर पे या फिर बैक के लिए, तो आप ध्यान रखिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगा लें, XL, L, M जो भी साइज़ आता है, इसके बहुत से साइज़ आते हैं। और लेंथ, केबल की लेंथ की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। और इसको जल्दी से खोल लेते हैं, फिर आपको मैं ऑन करके बता देता हूँ इसमें कि कितने कैसे मोड है, क्या ऑन होता है और कैसा लगता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने इसको प्लग कर दिया है, अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इसको ऑन करते हैं हम। अब इसको ऑन करने के बाद इसमें जैसे लाइट ब्लिंक होती है, अब इसमें एक नंबर लिखा आ रहा है, तो और ऐसे मोड करेंगे जैसे 60 से कम टेम्परेचर, फिर 60 सेकेंड पे, फिर 60 प्लस 70 80 टेम्परेचर, 80 डिग्री टेम्परेचर तक इसको ये जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको मीडियम तक ही रहना चाहिए, मीडियम में 20 मिनट काफ़ी इनसफिशेंट होता है। ज़्यादा इसको हाई पे मत करें, क्योंकि जितना गर्म होगा उतना जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो कम इसको यूज़ करें, ज़्यादा मीडियम पे ही रखें इसको। बाकी बहुत ही अच्छा है, ये लाइफ टाइम के लिए बातें होती है कि कैसे इसकी केयर करनी है, क्योंकि हम सोचते हैं प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, बल्कि हमारी लापरवाही से ही जल जाता है। तो ध्यान रखिए, अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। जय हिंद।